बलरामपुर जिले में योगीराज में देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार भी नहीं है सुरक्षित। ताजा मामला जनपद बलरामपुर के अंतर्गत देहात कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से चल रहा अवैध मिट्टी खनन का काला कारोबार। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अवैध मिट्टी खनन कवरेज करने गए पत्रकार ब्रजेश कुमार उपाध्याय से सरकारी तालाब से अवैध मिट्टी खनन कर रहे छोटू उपाध्याय पुत्र विजय कुमार, ऋतिक उपाध्याय पुत्र पवन उपाध्याय, शेखरपुर थाना कोतवाली देहात के द्वारा देर रात्रि घर में घुसकर किया गया मारपीट तथा सुबह पत्रकार ब्रजेश कुमार उपाध्याय व उनके चाचा मिथिलेश प्रसाद को दबंग अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने किया मारपीट तथा पत्रकार ब्रजेश कुमार उपाध्याय के चाचा का फटासर। पीड़ित पत्रकार ने देहात कोतवाली में लगाई न्याय की गुहार। अब देखना ये है कि आखिर क्या दबंग खनन माफियाओं पर चलेगा प्रशासन का डंडा या फिर उनके ऊंचे रसूखों के बल पर बच निकलने में होंगे खनन माफिया कामयाब और पत्रकार न्याय के लिए लगाता रहेगा सरकारी दफ्तरों के चक्कर। दरअसल बात यह है कि मैं ग्राम पंचायत शेखरपुर का रहने वाला हूँ और हमारे ग्राम पंचायत में आए दिन छोटू उपाध्याय नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध खनन किया जाता है। खनन जो अगर होता है मिट्टी का तो मिट्टी का भी करते हैं, बालू पाले तो बालू का भी खनन कर रहे हैं। उसके बाद में उसी के संबंध में कल हमको हमारे चाचा जी द्वारा सूचना दी गई कि मतलब यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है या मतलब जैसा भी हो खनन हो रहा है उसका आप आकर के वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पहुँचता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो बना लीजिएगा। गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजर रही थी, चाचा जी वीडियो बना रहे थे, इतने में छोटू उपाध्याय पहुँचे वहाँ पर और चाचा से भिड़ गए और उनको मारे पीटे तथा उनकी मार से और चाचा का सर फट गया। और हम जब तक पहुँचे वहाँ पे तो हम लोगों से भी हमारे साथ हमारे चचेरे के भाई गौतम और विशाल भी आए तो उनको और हमको भी मारे पीटे काफ़ी चोटें आई हैं और उसी संबंध में हमने तहरीर भी थाने पर दिया परंतु अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही अभी किसी को गिरफ्तार किया गया। कब से खनन करते हैं ये लोग भैया? ये हमेशा कंटिन्यू है, बहुत दिनों से है, आज से नहीं है, इस पर चार पाँच सालों से चल रहा है। तो इस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा? पुलिस प्रशासन या कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं कभी भी अगर खनन इंस्पेक्टर को फ़ोन मिलाता हूँ तो उनका फ़ोन नहीं उठता है। यदि अगर हम और किसी को SDM साहब को मिलाइए अगर तो वो भी मतलब फ़ोन अगर उठ जाता है तो ठीक है कहेंगे कार्रवाई होगी कहकर टाल दिया था। कभी कार्रवाई होती देखा नहीं। आप लोगों ने जब विरोध किया तो खनन माफियाओं ने आपको पिटाई की? एकदम से छोटू उपाध्याय ने इस प्रकार से मारा कि आप देख सकते हैं यहीं पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, उनके सर फट चुका है एकदम से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तुलसीपुर के नवनिर्वाचित मंत्री अमन गुप्ता की ओर से जन्माष्टमी पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।